हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक लॉलीपॉप और वो मैं आपको दो तरीके से बना के दिखाऊंगी, एक सिंपल एक लॉलीपॉप और दूसरा चीज़ एक लॉलीपॉप। चलिए बनाने से पहले इसके सारे इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं और आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले हम अंडे को उबाल लेंगे। उबालने के समय हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे क्योंकि नमक डालने से उबालने के वक्त इसमें दरार नहीं आता। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 5 अंडे लिया है जिससे लगभग 15 लॉलीपॉप बनेगा। पहले अंडे को ऐसे ग्रेट कर लेना है। ध्यान रखिए आपको फुल बॉयल एग ही लेना है ताकि आपको ग्रेट करने में आसानी हो। अब हम इसमें कुछ वेजेस और मसाले डाल देंगे, जैसे कि 1 मीडियम साइज बारीक कटे हुए प्याज, चॉप्ड ग्रीन चिली, थोड़ा सा चॉप्ड अदरक, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून सूखा लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 2 चम्मच मैदा डालकर इसे अच्छे से मिलाकर बाइंड कर लेंगे। अब इसे ऐसे छोटे छोटे बॉल के शेप्स दे देंगे। अब चीज एक लॉलीपॉप बनाने के लिए एक चीज की क्यूब को ऐसे बॉल के अंदर डालकर इसे ऐसे हाथों की मदद से प्रेस करके फिर से राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह। अब हम एक अंडे को तोड़कर उसमें थोड़ा सा नमक मिला लेंगे। एक लॉलीपॉप को ब्रेड क्रम से कोट करने के लिए उसे पहले अंडे के बैटर में डुबोकर उसे ऐसे ब्रेड क्रम से कोट कर लेंगे। इस बारिश के मौसम में आप इसे घर पर एक बार जरूर ट्राई कीजिए और सबकी दिल जीतिए। आप इसी तरह सारे एक लॉलीपॉप को ऐसे ही कोट कर लीजिए। अब बस और क्या, एक पैन में तेल गरम कर लेंगे और सारे एक लॉलीपॉप को तेल में डालकर फ्राई कर लेंगे। हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो एकदम फ्री है लेकिन हमें नए नए वीडियोज़ बनाने में मोटिवेट करता है। और ये रहा आज की रेसिपी का न्यूट्रिटिव वैल्यूज। जाने से पहले इस पे एक नज़र ज़रूर डाल लीजिए। थैंक यू।